नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मुझे पता है कि जो सेकाउट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लगातार कमेंट भी आ रहे हैं, और उन कमेंट्स के जो रिप्लाई है मैं आपको वहीं पर हाथों हाथ, चाहे आप इंस्टाग्राम पर बोल रहे हो या आप टेलीग्राम पर बोल रहे हो या आप किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बोल रहे हो। देखिए, काफ़ी छात्र लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जो सेकाउट यूनिवर्सिटी के एग्जाम होने वाले हैं, BA BSc BCom BBA BCA के साथ में जो PG के एग्जाम है, MA MSc MCom के, वो कब से कंडक्ट होंगे। सभी छात्र लगातार इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए राजस्थान की जितनी भी औसतन जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है, साथ में जो परीक्षा की डेट है वो भी घोषित हो चुकी है कि उस दिन से आपकी परीक्षा होने वाली है। लेकिन एक तो PDSU पंडित दीनदयाल सेकाउट यूनिवर्सिटी, दूसरी राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी और तीसरी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, ये मतलब कि तीन बड़ी यूनिवर्सिटी है जिनके द्वारा अभी तक जो टाइम टेबल है उसकी ना तो कोई इंफॉर्मेशन है, ना ही जो परीक्षा की डेट है वो घोषित हुई है। इन्हीं तीन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से कोई भी डेट मतलब कि आगे से नहीं आई है। अब देखो, यहां पर मैं आप सभी छात्रों को क्लियर करने वाला हूं कि सेकाउट यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्जाम टाइम टेबल है वो कब आने वाला है, साथ ही में जो आपके एग्जाम है वो कब कंडक्ट करवाएंगे। अब देखो, बात करें यहाँ पर लास्ट नोटिस को लेकर, जैसे कि आपका एग्जाम फॉर्म के लास्ट नोटिस आपका जारी हुआ था, उसमें जो आपकी लास्ट डेट बढ़ी थी, जहां तक मैंने नोटिस देखा है उसमें 1 मार्च 2023 तक आपकी जो डेट है वो बढ़ी गई थी, और जिसमें 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ आप अपना जो एग्जाम फॉर्म है वो भर सकते थे। अब जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसके एग्जाम 16 मार्च से कंडक्ट करवाए जाएंगे, GGTU है इसके एग्जाम 10 अप्रैल से कंडक्ट करवाए जाएंगे, MSBU है इसके एग्जाम 22 मार्च से कंडक्ट करवाए जाएंगे, इसी के साथ में जो MDSU है इसके एग्जाम 15 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और इसी के साथ में एक यूनिवर्सिटी और है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, इसके भी जो एग्जाम टाइम टेबल है वो जारी नहीं हुआ है। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनके एग्जाम टाइम टेबल जारी भी हो चुके हैं और MLSU के जो एग्जाम है वो स्टार्ट भी हो चुके हैं। अब देखो, सेकाउट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के कुछ डाउट भी है। एक तो ये डाउट है कि जो प्रैक्टिकल होने वाला है वो परीक्षा के बाद में होगा या पहले होगा, साथ में जो प्रैक्टिकल की डेट आएगी वो कब तक आ सकती है, BEd के एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे वो भी यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, साथ में जो BEd के एग्जाम होंगे आपके वो कब से स्टार्ट हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि आपकी चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो और चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपके लिए मैं पेपर अवेलेबल करवा रहा हूं, ठीक है। चैनल पर जितने भी पेपर है, अभी फिलहाल मैंने BA के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और साथ में BSc फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के, किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो, आपको पेपर मिल जाएंगे। अगर आप पेपर सर्च करोगे तो सर्च करने से मिल जाएंगे, साथ में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप देख सकते हो। और ये पेपर भी मैंने आप सभी के कहने पर ही अपलोड किया है। आप सभी के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर हमें जो लास्ट ईयर के या एक तरीके से ओल्ड पेपर है 2-3 साल के, वो हमें चाहिए, क्योंकि हमें देखना है उन पेपर्स को कि किस प्रकार से पैटर्न रहता है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने आप सभी छात्रों के लिए पेपर अपलोड कर दिया है। आप यूट्यूब पर जाकर आप पेपर देख सकते हो, जैसा कि अभी ये वीडियो देख रहे हो, आप मेरे लोगों पर क्लिक करके वहां पर आप जैसे ओल्ड वीडियोज, फिर उसके बाद में प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, वहां पर नीचे जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा BSc ओल्ड पेपर, BA ओल्ड पेपर, वहां पर जाकर आप जितने भी पेपर है वो देख सकते हो। उसी के बाद में यहां पर बात करते हैं कि आपके एग्जाम है वो कब से कंडक्ट करवाए जाएंगे। आपको सभी छात्रों को देखो, मैंने कमेंट के माध्यम से भी आप सभी को रिप्लाई दे दिया है, जिन छात्रों को रिप्लाई मिला है वो काफी संतुष्ट है और उनके बार बार कमेंट नहीं आ रहे हैं। और आपके एग्जाम लेट होने का कारण यही है कि आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो लेट तक भरा गया है, इसी वजह से आपका जो एग्जाम फॉर्म आपका एग्जाम है वो लेट तक होगा। और जो आपका एग्जाम होने वाला है, यहां पर मैं बात करूंगा फर्स्ट में यूजी की, तो यूजी का आपका एग्जाम होगा वो आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में होने वाला है। कुछ चांसेज हो सकते हैं या रेयर चांसेज हो सकते हैं कि आपके अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट हो जाए, बाकी तो आपका एग्जाम है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर आपके एग्जाम टाइम टेबल को लेकर, छात्रों के मन में डाउट रहता है, बेसिकली सभी छात्रों के मन में डाउट रहता है। ऑब्वियसली सभी छात्र ये चाहते हैं कि मुझे जो कन्फर्म डेट है उसका भी पता लग जाए, क्योंकि मुझे अपनी तैयारी भी करनी है, वो चीज तो मुझे खुद को भी पता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको एक तरीके से सांत्वना देने के लिए भी मैं वीडियोज बना देता
देता हूँ जिससे कि छात्र एक तरीके से ज्यादा विचलित ना हो अपनी परीक्षा को लेकर। देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी के एग्जाम टाइम टेबल जारी हो रहे हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी का भी जारी होगा, तो थोड़ा पेशेंस रखे। बाकी मैंने क्लियर कर दिया है और एग्जाम टाइम टेबल आपका 10 मार्च के बाद में कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो बनेगा सेकाउट यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो आपके एग्जाम टाइम टेबल को लेकर ही बनेगा। तब तक थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है, थोड़ा बहुत पेशेंस रखना। पेपर आप जाकर देख लेना, पीजी के एग्जाम आपके अप्रैल के बाद में ही आपके स्टार्ट होने वाले हैं। बात करें यहाँ पर बीएड के एग्जाम को लेकर, बीएड के एग्जाम आपके मई या जून में होने वाले हैं। हमेशा ही जो बीएड के एग्जाम होते हैं वो लास्ट में जाकर होते हैं, तब तक के लिए आप थोड़ा पेशेंस रखें। और जो आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे बीएड के, शायद वो आपके मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट में भरे जा सकते हैं, तब तक थोड़ा वेट करना होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम आपका एग्जाम से पहले ही होगा, ठीक है, इस बार एग्जाम पहले ही होगा। बाकी लास्ट ईयर का मुझे पता नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर आपका कोरोना था, कोरोना की वजह से प्रैक्टिकल फाइल ओनली आपके असाइनमेंट के आधार पर ही आपका प्रैक्टिकल हुआ था, तो वो चीज आप सभी समझिए। प्रैक्टिकल आपका फर्स्ट में ही होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। जल्दी आपके लिए टाइम टेबल की खुशखबरी लेकर आऊंगा, तब तक थोड़ा हैप्पी रहिए। जितना पढ़ सकते हो 2-3 घंटे आप पढ़ लीजिए, बाकी तो लास्ट ईयर के जितने भी पेपर है वो देख लीजिए, उनसे ही पता लग जाएगा किस प्रकार का या किस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपसे आपका जो क्वेश्चन है वो आने वाला है, ठीक है। बाकी कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पास ही होना है और अगर आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो अच्छे तरीके से पेपर भी और पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ डालिए, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, पढ़ाई है वो अपनी स्टार्ट कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।